अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज ट्विंस जा रही हैं ट्रिप पे और बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव सी जगह है। और ट्विंस जब ट्रिप पे पहुंची हैं तो बहुत ज़्यादा मैंने कैप्चर इनको नहीं किया, लेकिन जितना एम्बियंस था, जो यहाँ पर इन्वायरमेंट था, पीरूस कैफ़े, बेसिकली इवनिंग में तो ये बहुत ही लाइट्स के साथ कलरफुल और सब होता है, लेकिन डे टाइम में भी बहुत ब्राइट, बहुत खूबसूरत इनका एम्बियंस बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट हुआ है। और फ्लैक्स होर्डिंग्स के साथ इन्होंने ये सारी वॉल भी बहुत अमेजिंग की हुई है। बच्चों के लिए पपेट शो, मैजिक शो ही सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। और इसके अलावा एक म्यूज़ियम जो कि भरपूर है आर्ट लवर्स के लिए भी ऑफ कोर्स, और पपेट्री जिनको है, और मुझे लगता है ये एक ऐसा आर्ट है जो कि अब बहुत कम होता जा रहा है, और इन्हीं के रेफरेंस से पीरज़ादा थिएटर और पपेट जो इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है इस आर्ट को और इस ट्रेडिशन को, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ, इनकी बिल्डिंग, अंदर एनवायरनमेंट। इवनिंग में इनके पास कैफ़े भी है, लेकिन मॉर्निंग में बच्चों के लिए बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं खूबसूरत कलर्स के साथ, बहुत ब्राइट। ये स्टेज वगैरह बने हुए हैं डिफरेंट, ये इनका बेसिकली लंच एरिया है आई थिंक कैफ़े वगैरह के साथ जब इवनिंग में होता। और यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्रेडिशनल और हाथ से बने हुए पपेट्स हैं, और पपेट्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं क्योंकि ये एक इट्सेल्फ हर पपेट की अपनी कहानी है। और मुझे यहाँ पर आके फील हुआ कि जो हम बचपन में जो कैरेक्टर्स देखते थे अंकल सरगम और उस वाली एज में, तो वो सारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें याद आए यहाँ पर। और मैजिक शो था और जो मैजिशियन अंकल थे उन्होंने बड़ा अच्छा बच्चों को इन्वॉल्व किया हुआ था। और जो है ना मैजिक, ऑल द ट्रिक्स वही थी जो मैजिशियंस की एक टिपिकल चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो बड़ों को शायद इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, मगर उनका उसको सारी मैजिक शो को हेल्ड करने का तरीका और लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत अच्छा था। खैर, जो म्यूज़ियम था उसमें हर तरह बहुत सारे फ्लोर्स पे बहुत ज़्यादा पपेट्स थे, और हर कॉर्नर जो है वो अपने ही पूरी स्टोरी के साथ बहुत ही अमेजिंगली प्रेजेंट हुआ हुआ है। चीज़ें बहुत खूबसूरत थी यहाँ पर, और ये इतनी अट्रैक्शन थी इसमें कि मुझे लगता है ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए हर तरह के एज फैक्टर में आप इस चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हैं, मज़ा भी ले सकते हैं इनका। जादू के पटारे खुल जा, खुल भी जाना, मैं बच्चों को प्यारे प्यारे छोटों को जादू सिखा सकूं। ओ शंपड़ू तंपड़ू कंपड़ू खुल जा, खुल जा, खुल जा। कौन कौन खोलना चाहता है? हमारा शागिर्द, हमारा चमचा हमारी पटारी को ललकार रहा है। खबरदार, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? अरे जादूगर भाई, बस गलती हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारे जादू की पटारी से मजाक? और इस खूबसूरत मेलोडी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। और इट्स अ मस्ट ट्राई प्लेस, तो आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, अमेजिंग जगह है और आप बहुत इन्जॉय करेंगे आई एम श्योर। थैंक्स फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।